आज मैं आपको बताने वाली हूँ आलू पकौड़े की रेसिपी, जो आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा किचन सीक्रेट। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे और उसके बाद हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे और गर्म होने के लिए रख देंगे। जब यहाँ पे जो जीरा है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पे ये ग्रीन मटर डाल देंगे। मैंने मटर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम इसे भूनने के लिए पैन में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पे हम यहाँ पे मटर को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसे मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया है मैंने और इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक कच्चा आलू लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे तरीके से छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है, और उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे मटर में डाल देंगे भूनने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन आदि और ग्रीन मिर्च ली है, और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद मैं ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को डाल के गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसको मैं मिला लूँगी। हाई फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए मिलाऊँगी, और मिलाने के बाद गैस का फ्लेम मैं लो करके ढक के इसे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आलू यूज़ किया है वो कच्चा आलू यूज़ किया है, इसके लिए हमें इसे लो फ्लेम पर ढक के पकाना होगा। और जब भी आप आलू को लो फ्लेम पे पकाते हैं, जब आप कच्चा आलू यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं कि आलू जो अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिला दिया है और उसके बाद मैं ढक के इसे रख दूँगी। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है मैंने ढक के रखा था, और आप देख सकते हैं कि पहले से आलू और मटर है वो अच्छे तरीके से भून गया है। जब भी आप कच्चा आलू को भूनते हैं आप हमेशा उसे लो फ्लेम पे भूनें, उससे क्या होगा जो आलू है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा, और उसमें आप हल्का सा वाटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये अनियन लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये गरम मसाला लिया है और काश्मीरी मिर्च ली है। इन सबको मैं एक साथ भून लूँगी, सबसे पहले मैं मिला लूँगी, और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिला लूँगी। हमने यहाँ पे काश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए लिया है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे एक बार फिर से पका लूँगी और गैस का फ्लेम लो करके रख दूँगी, और 2 से 3 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला है आलू और मटर का वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, पक चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी एक दिखाती हूँ, ये इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए मैं इसे रख दूँगी। तो ये हमारा जो मसाला है आलू पकौड़ा के लिए वो रेडी हो गया, मैं इसे ढक के रख दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल में बेसन लेंगे और यहाँ पर हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लेंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और उसके बाद लेंगे लहसुन आदि और ग्रीन चिली का पेस्ट। यहाँ पे तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी से अच्छा सा एक मैं पेस्ट बना लूँगी। हमें यहाँ पे बेसन को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। जिस तरह की मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ इसी तरीके का आपको रखना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बॉयल आलू लिया है, इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके इसमें नमक डाल के इसको मैश कर लिया है। जब भी आप आलू को बॉयल करते हैं आप उसे पानी से निकाल ले उसी टाइम, उसके बाद उसे मैश कर ले। यहाँ पे मैंने ये आलू और मटर का मसाला है ये जो बनाया था ये वो लिया है। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन का जो हमने पेस्ट बनाया था, ये बॉयल आलू, और ये आलू और मटर का मसाला। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ पे पानी लगाएंगे। आप यहाँ पे चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी अपने हाथ पे मिला लिया है। और उसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाऊंगी, और हमने पानी इसलिए यूज़ किया है इससे क्या होगा कि जो आलू है वो चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर आलू को इस तरीके से किया है, और इसके अंदर हम मटर को स्टफ़ करेंगे।
तो हमने जो मसाला बनाया था मटर और आलू का वो इसके अंदर स्टफ करेंगे। इस तरीके से आपको करना है जैसा मैं कर रही हूँ। जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं ना, आटे में आलू को भरते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे आलू में मटर का मसाला को स्टफ करना है। तो इस तरीके से करना है और इसको चारों तरफ से बंद कर देना है, एक बड़ा सा पेड़ा टाइप बना लेना है। इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल करना है आपको। और ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे गोल बना लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल बन जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। उसी तरीके से मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। मैंने अपने हाथ में नॉर्मल पानी मिला ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेड़ा साइज का आलू लिया है और इसको इस तरीके का शेप दे दिया है। और यहाँ पे हम मटर की फिलिंग करेंगे। फिलिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको मटर की ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो ये जो मटर की जो फिलिंग करी है ना आपने, वो निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है, कम ही फिलिंग करें तो वो अच्छा रहता है। तो आपको इस तरीके से मटर की फिलिंग करने के बाद इसे एक बड़ा सा पेड़ा टाइप बना लेना है। जैसे मैं बना रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना है, इस तरीके का। ऐसे करके आप इसे गोल बड़ा सा पेड़ा साइज का बना सकते हैं। इस तरीके का आपको बनाना है। ये आलू पकौड़ा बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे स्टफिंग ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो फ्राई करते टाइम ये निकल सकता है। तो सेम आपको इसी तरीके का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही सारे जो है पकौड़े बना लिए हैं। और यहाँ पे ये बेसन है जिसका हमने पेस्ट बनाया था। आपको ध्यान रखना है कि बेसन का पेस्ट जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। जैसा आप ये कंसिस्टेंसी देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आलू को बेसन में डिप कर दूँगी और फ्राई करूँगी। तो मैंने ऑयल को ऑलरेडी फ्राई होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपको बिल्कुल ऐसे ही डिप करना है आलू को बेसन में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है और अभी हम यहाँ पे आलू को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो ऑलरेडी हमने इसे डिप कर लिया है बेसन में और अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम हाई रखा है। आपको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है और ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे करना है, आपको मीडियम हाई पे करना है। जब एक साइड फ्राई हो जाएगा तब इसे हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइड इसे फ्राई करेंगे। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बहुत अच्छा लगता है। बस आपको फिलिंग करते टाइम ध्यान रखना है। अभी ये एक साइड फ्राई हो गया है और अभी मैं इसे यहाँ पर टर्न कर लूँगी। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने वड़ा पाव की भी रेसिपी डाली है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। और बस आपको ये रेसिपी बनाते टाइम बस ध्यान रखना है फिलिंग करते टाइम, और जब आप आलू को बॉयल करते हैं तो आप उसे इमीडिएट निकाल लें गर्म पानी से। तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी अपनी मनपसंद का वेजिटेबल डाल सकते हो, आप इसमें गाजर डाल सकते हो, जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कलर आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसी तरीके से आपको एक और फ्राई करके बताऊंगी। तो मैंने ऐसे ही उसको भी डिप कर लिया है बेसन में और इसको हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, हमें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये एक साइड जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसे टर्न कर लेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये आलू पकौड़ा मेयोनीज के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। और आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं।